हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम होम साइंस की थर्ड क्लास में होम साइंस में प्रयोग किए जाने वाले कुछ शब्दावलियों यानी कि टर्मिनोलॉजी को जानेंगे जो हमारे आने वाले एग्जाम में आने वाले जो टॉपिक हैं उनमें बार बार प्रयोग किए जाएंगे। तो आइए जान लेते हैं, एक एक शब्द का मतलब समझते हुए हम चलते हैं। जैसे आप लोगों को स्क्रीन पर दिख रहा होगा, ये जो टर्मिनोलॉजी हम पढ़ने जा रहे हैं ये सब टेक्सटाइल से संबंधित हैं। ये टेक्सटाइल की टर्मिनोलॉजी है, जब हम वस्त्र विज्ञान पढ़ेंगे तो उसमें इनका बहुत ही विशेष महत्वपूर्ण उपयोग होगा। नंबर एक पे है कोए। कोए जिसको हम पोर्ट्स बोलते हैं, ये क्या होता है, जो कपास होता है, कपास का पका हुआ जो फल होता है उसको हम बोलते हैं कोए। जो कपास का पेड़ होता है उसका जो फल होता है वो जब पक जाता है तो पकने के बाद क्या होता है, वो अपने आप फट जाता है। मान लीजिए ये देखिए, जैसे कपास का फल है तो ये जब फट जाता है तो इसमें से कॉटन जो रुई होती है वो बाहर निकल आती है और इसके बीज अंदर अंदर इसी रुई में चिपके रहते हैं, या कह सकते हैं कि बीज के ऊपर जो कॉटन होता है रुई ये चिपका हुआ होता है। तो जो कोए होते हैं वो क्या होता है कि कपास का फल होता है, ठीक है। उसके बाद दूसरा जो हमारा है टर्म वो है ओटना, जिसको हम कहते हैं गिनिंग। गिनिंग क्या है, ये जो कपास है, जैसे ये कपास था तो कपास के जो बीच में बीज होते थे तो बीज के जो ऊपर रेशे, कपास के रेशे लिपटे रहते हैं, तो रेशों को अलग करना और बीज को अलग करना, मतलब बीज को बीन करके रेशों से अलग करना, इसको हम ओटना या गिनिंग कहते हैं, ठीक है। तो बिनौलों मतलब होता है बीज, तो बीज को कपास के रेशों से अलग करना ये कहलाता है गिनिंग। अगला है गांठे लगाना। क्या है गांठे लगाना, जिसको हम बेलिंग कहते हैं। क्या कहते हैं इंग्लिश में इसको, बेलिंग कहते हैं। इसमें क्या है, कपास के रेशों को बांधकर गट्ठर बनाना। जब हम कपास के रेशों को और बीज को, मतलब जो कोया होता है कोए से हम कपास के रेशों को और बीज को अलग कर लेते हैं, अलग करने के बाद हम क्या करते हैं कि कपास के रेशों का एक गट्ठर बना लेते हैं, उसी को हम बोलते हैं बेलिंग, ठीक है। इसके बाद अगली जो टर्म है वो है धुनाई। धुनाई जिसको इंग्लिश में हम कार्डिंग बोलते हैं। कार्डिंग में क्या होता है कि जो रेशों में इम्प्योरिटीज होती हैं, धूल कड़ होता है, मिट्टी होता है और उसके जो कपास है उसके कुछ बीज और पत्ते वगैरह हो जाते हैं डस्ट के रूप में, उनको जो हम साफ करते हैं या अलग करते हैं उसको हम बोलते हैं धुनाई या कार्डिंग। तो रेशों से धूल कड़, मिट्टी, बीज या पत्ते आदि अशुद्धियों, इम्प्योरिटीज को रिमूव करना, वहां से हटाना, ये हमारा कार्डिंग कहलाता है, ठीक है। रजाई वजाई की धुनाई करते हुए तो आप देखे ही होंगे कि उसको पीट पीट के उसमें जो डस्ट लगी रहती है, डस्ट रहती है, उसको सब निकाल दिया जाता है, तो इसी प्रकार से कुछ कार्डिंग की जाती है, ठीक है। अगली प्रोसेस हमारा है कंघी करना, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं कॉम्बिंग। कॉम्बिंग में क्या है कि रेशों को समांतर करना, क्योंकि जब रेशे एक साथ होते हैं तो उसमें कई टाइप के रेशे होते हैं, कुछ रेशे एक दूसरे में उलझे हुए होते हैं, कुछ रेशे छोटे होते हैं, कुछ रेशे बड़े होते हैं, तो जब हम कॉम्बिंग करते हैं तो ऐसे ऐसे मशीन में मतलब लगा रहता है, तो जो लंबाई वाले रेशे रहते हैं जो समांतर, वो लंबे हो जाते हैं, जो छोटे रेशे होते हैं वो अलग हो जाते हैं। तो रेशों को समांतर करना और बड़े रेशों को छोटे रेशों से अलग करना, ये प्रोसेस कहलाती है कॉम्बिंग या कंघी करना। अगला टर्म जो है वो है मिश्रित करना। अगला टर्म मिश्रित करना, जिसको हम बोलते हैं ब्लेंडिंग। इसमें क्या होता है कि विभिन्न प्रकार के रेशों को मिलाना, जैसे कई प्रकार के रेशे, छोटे बड़े, या ऊल हो गया, रेशम हो गया, इन दोनों को आपस में मिलाना, तो दो या दो से अधिक प्रकार के रेशे को जो आपस में हम मिश्रित करते हैं, मिलाते हैं, उसको हम बोलते हैं ब्लेंडिंग, ठीक है। उसके बाद अगली जो टर्म है वो है पोनी बनाना। पोनी बनाना या सिल्वरिंग, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं सिल्वरिंग। तो सूत की कताई जो करते हैं, मतलब जो धागा बनता है उसके पहले उसकी पोनी बनाई जाती है, उसमें गांठ लगा के ऐसे पोनी बनाई जाती है, उसमें थोड़ा सा ऐठन देके, मतलब ट्विस्ट देके पोनी बनाई जाती है, फिर वही पोनी आगे चल के
कताई की जाती है, ठीक है। तो सूत की कताई से पहले उसकी पोनी बनाई जाती है। पोनी बनाना कह सकते हैं कि कुछ रेशों को अलग करके उसको थोड़ा सा ऐठन देना, ये होता है पोनी। फिर उसके बाद अगला टर्म हमारा आता है कताई, जिसको बोलते हैं स्पिनिंग। कताई में क्या होता है कि जो हम पोनी बनाए हुए धागों को, जो हम पोनी बनाते हैं, पोनी को और ज़्यादा ट्विस्ट करके उसमें और छोटे बड़े धागे उसमें जोड़ के उसको ऐठ के एक लंबा धागा तैयार करते हैं, ठीक है। तो ये हो जाता है स्पिनिंग या कताई, ठीक है। तो इससे हो गया, स्पिनिंग से जो होता है थोड़ा सा ऐठन देके हम धागे का निर्माण करते हैं। इसके बाद अगला जो टर्म है वो है परिसज्जा, जिसको हम बोलते हैं फिनिशिंग या फिनिशेस, ठीक है। तो परिसज्जा में क्या होता है, वस्त्र पर अंतिम रूप से की जाने वाली प्रक्रिया। जैसे मान लीजिए करघा है, मान लीजिए ये करघा है, ठीक है। करघे पे दो टाइप के धागे होते हैं, एक लंबवत धागा होता है, एक क्षैतिज धागा। एक लंबवत धागा होता है, एक क्षैतिज धागा। तो दोनों धागे आपस में लंबवत और क्षैतिज, ये एक वस्त्र का निर्माण करते हैं। जब कपड़े को करघे से उतारा जाता है, जब कपड़े को करघे से हम उतारते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम ग्रे गुड्स बोलते हैं। ग्रे गुड्स या ग्रीस गुड्स, क्या बोलते हैं, ग्रे गुड या ग्रीस गुड्स। तो ये जो ग्रे गुड या ग्रीस गुड्स होता है, ये वस्त्र पहनने योग्य नहीं होता है। तो इसको क्या किया जाता है, इस पे आखिरी में एक परिसज्जा होती है, जिसमें क्या होता है कि इसको रोलर के बीच से निकाला जाता है। तो इसके ऊपर जो भी सतह पे थोड़े बहुत रोए निकले होते हैं या जो भी इम्प्योरिटीज वगैरह रहती है, वो सब सही हो जाती है सतह पे और चमक आ जाती है, ठीक है। तो ये परिसज्जा सबसे अंतिम में की जाती है, जिसको हम बोलते हैं फिनिशिंग, ठीक है। अब अगला हम देखते हैं सिकुड़न या श्रिंकेज, ये क्या होता है। तो जो कपड़ा भीगने के बाद जो सिकुड़ जाता है, भीगने के बाद उसकी लेंथ कम हो जाती है, सिकुड़, जैसे काटन का कोई कपड़ा सूखा रहता है, वो ज़्यादा फैला हुआ होता है, लेकिन अभी पानी में डाल दीजिए तो ऐसे सिकुड़ के हो जाता है, तो उसी को हम बोलते हैं श्रिंकेज। मतलब भीगने पर वस्तुओं के या कपड़ों के छोटे होने की जो प्रवृत्ति होती है, उसको हम बोलते हैं श्रिंकेज, ठीक है। अगला जो टर्म है वो है सिलवट प्रतिरोधक, क्या है, सिलवट प्रतिरोधक या क्रीज रेजिस्टेंस। क्रीज रेजिस्टेंस में क्या होता है कि जो वस्त्र बनते हैं उन पर सिलवटें नहीं पड़ती, मतलब कुछ परिसज्जा ऐसी वस्त्र पर की जाती हैं जिससे कि वस्त्र पर सिलवटें नहीं पड़ती है। चाहे वस्त्र को कैसे भी हम मरोड़ दें, मुट्ठी में लें या ऐड दें, चाहे जैसे रख दें, लेकिन जब छोड़ेंगे तो फिर से वो प्लेन ही हो जाएगा, उस पर कोई सिलवट नहीं पड़ेगी, जिसको हम बोलते हैं सिलवट प्रतिरोधक या क्रीज रेजिस्टेंस, ठीक है। इसके बाद अगला जो टर्म है हमारा वो है प्रत्यास्था, क्या है, प्रत्यास्था, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी में क्या होता है कि जब किसी चीज को हम खींचते हैं, ठीक है, खींचने के बाद फिर अगर छोड़ देते हैं तो वह अपने पूर्व अवस्था को ग्रहण कर लेता है, ठीक है। खींचने के बाद जब वस्तु या कपड़ा अपने पूर्व अवस्था को ग्रहण कर लेता है तो उसको हम बोलते हैं इलास्टिसिटी। तो इलास्टिसिटी का एग्जाम्पल जो है वो ये है, जैसे रबड़ है, रबड़ को हम खींचते हैं, खींचने के बाद उसको छोड़ देते हैं तो वह अपने पूर्व अवस्था में ग्रहण कर लेता है। तो यह हो गया प्रत्यास्था, खींचने के उपरांत पूर्व की आकृति वापस ग्रहण करने की क्षमता को ही हम प्रत्यास्था कहते हैं। अगला है, प्रत्यास्था से ही मिलता जुलता टर्म है प्रतिअस्कंदता। प्रत्यास्था और प्रतिअस्कंदता, इन दोनों में कन्फ्यूजन बहुत होता है, ठीक है। तो इसको आप इस तरह से याद रखें कि जहां प्रत्यास्था आएगा वहां खींचने से संबंधित है, और जहां प्रतिअस्कंदता आएगा या रेजिलिएंसी, वहां दबाने से। जैसे एक स्ट्रेस बॉल आप लोग देखे होंगे, उसको क्या होता है कि उसको हम दबाते हैं, ऐसे दबाने के बाद फिर जब हम छोड़ेंगे तो वह अपने पूर्व अवस्था में वापस आ जाएगा। तो दबाने के बाद, या फिर गद्दा सोफा जो घर में होता है उस पे या बैठते हैं या उसको ऐसे दबाते हैं, दबाने के बाद जब हम उठ जाते हैं या उसको छोड़ देते हैं तो क्या होता है, फिर से वो फूल जाता है, अपने पूर्व अवस्था को ग्रहण कर लेता है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं प्रतिअस्कंदता, ठीक है।
तो दबाने के बाद फिर अपनी पूर्व अवस्था को प्राप्त कर लेने वाले जो वस्त्र होते हैं या मूल रूप को वापस जो ग्रहण कर लेते हैं अपने पुराने, उसको हम बोलते हैं प्रतिअस्कंदता या रेजिस्टेंसी। ठीक है, तो ये दोनों डिफरेंस आप लोग ध्यान रखिएगा। प्रत्यास्था में क्या है कि खींच कर छोड़ने पर, और प्रतिअस्कंदता में क्या है उसको पहले दबाएंगे फिर उसके बाद छोड़ने पे वह अपने पूर्वावस्था में आ जाता है। अगला है टर्म अपघर्षण। अपघर्षण को इंग्लिश में बोलते हैं अब्रेजन। अब्रेजन क्या होता है, इसमें रेशों या वस्त्रों की रगड़ एवं घर्षण सहन करने की क्षमता, क्योंकि कुछ वस्त्र पे ऐसी परिसज्जा की जाती है, इस उद्देश्य से बनाए जाते हैं, चाहे उन पे कितनी भी रगड़ पड़े या कितनी भी घर्षण पड़े लेकिन उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो ऐसे वस्त्र जिन पर घर्षण का प्रभाव नहीं पड़ता उसको हम बोलते हैं अपघर्षण या एब्रेजन। ठीक है, तो उनकी जो घर्षण सहन करने की क्षमता होती है कि मतलब उन पे घर्षण ना पड़े, तो इसको हम एब्रेजन कहते हैं। अगला हम देखते हैं मुलायम करना या रेटिंग। ये जो मुलायम करना और रेटिंग है, ये टर्म विशेषकर ये वनस्पतिक जगत के एक रेशा है लीलन। ये लीलन के लिए आया है। किसके लिए? ये ज़्यादातर लीलन के लिए यूज होता है, क्योंकि लीलन जो है ये वृक्ष के मतलब पौधे के तने से प्राप्त होने वाला रेशा है। तो जब लीलन को हम तने से निकालते हैं तो उस पर नमी दी जाती है, उसको भिगोया जाता है, फिर उसके बाद जो है उसको भिगोने के बाद फिर उससे रेशा तैयार किया जाता है, बनाया जाता है वस्त्र। ठीक है, तो लीलन को जैसे जब तने के छाल से हम लीलन के रेशे को निकालते हैं, तो तने के छाल से अलग करने के लिए नमी, पानी और ओस में उसको भिगोना, इस प्रक्रिया को हम कहते हैं क्या, रेटिंग। ठीक है, अगला जो हमारा टर्म है वो है कताई या झड़ाई। ये कताई और झड़ाई, इसको बोलते हैं सीयरिंग या ब्रशिंग। ये विशेषकर ऊन के लिए होता है, जो प्राणी जगत का एक रेशा है ऊन, जो भेड़ से या फिर उसके बाद जो है ऊंट या बकरी, इन सब से प्राप्त होता है। तो जो ऊन होता है इसके लिए कताई या झड़ाई शब्द का प्रयोग होता है। तो भेड़ के शरीर से बाल उतारना, जो हम भेड़ या बकरी या ऊंट जिससे भी हमें ऊन प्राप्त होता है, तो मशीन के द्वारा उसके शरीर से जो हम बाल उतारते हैं फिर उसके बाद उसको साफ करते हैं, ब्रशिंग करते हैं, उसको हम बोलते हैं कताई या झड़ाई। ठीक है, अगला टर्म हमारा है सफाई करना। सफाई करना या जिसको बोलते हैं स्काउरिंग। स्काउरिंग ये भी टर्म ऊनी रेशों के लिए प्रयोग होता है। कैसे रेशों के लिए प्रयोग होता है? ऊनी रेशों के लिए, तो ऊनी रेशों की सफाई करना, जैसे ऊनी रेशों में धूल मिट्टी जो भी डस्ट है उसको साफ करना, उसको निकालना, ये कहलाता है स्काउरिंग। ठीक है, इसके बाद अगला जो टर्म है वो है खींचकर निकालना। खींचकर निकालना या जिसको बोलेंगे ड्रॉइंग आउट। ड्रॉइंग आउट शब्द का प्रयोग भी ऊन वाले में ही किया जाता है, ऊन वाले रेशे में किया जाता है। इसमें क्या होता है कि धागे को महीन और बारीक करने के लिए खींच कर निकालना, जो धागा होता है उसको हम खींच कर और महीन या बारीक करते हैं। ठीक है, धागे को जो बारीक करने की प्रक्रिया होती है, वो प्रासेज होती है खींच कर, उसको हम बोलते हैं ड्रॉइंग आउट। ठीक है, इसके बाद अगला टर्म है हमारा नमदा, जिसको हम बोलते हैं फेल्टिंग। ये नमदा और फेल्टिंग कैसे होते हैं कि जो हमारे निम्न कोट के ऊन होते हैं, छोटे छोटे ऊन होते हैं, उनको नमी, ताप और दाब के द्वारा थोड़ा सा मतलब पानी वगैरह लगा के उस पर छिड़क के, मतलब नमी देके और ताप और दाब के द्वारा उसको दबा के एक नमदा तैयार, मतलब उसको जमा के, ताकि जो छोटे छोटे रेशे हैं, छोटे छोटे ऊन हैं, वो एक दूसरे से जुड़ जाएं, फिर उसके बाद उसको जमा कर नमदा तैयार किया जाता है, ताकि उससे अधिक लंबाई का रेशा बनाया जा सके। ठीक है, तो नमी, ताप, दाब द्वारा ऊनी रेशों को आपस में उलझाकर जमाना, ये कहलाता है फेल्टिंग। अगला है जो हमारा टर्म, वो है खींचा ऊन। जो खींचा ऊन होता है इसको हम बोलते हैं पुल्ड ऊल। क्या बोलते हैं? पुल्ड ऊल। ये भी ऊन से ही संबंधित है। ये भेड़ से, जो मृत भेड़े, जो भेड़े मर जाती हैं, उनके शरीर से जब हम ऊन निकालते हैं उसे हम बोलते हैं
पुल्ड वूल, ठीक है, मृत भेड़ों के शरीर से जो ऊन निकाला जाता है वो पुल्ड वूल कहलाता है। अगला टर्म है कीड़ों को पालना, कीड़ों को पालना या रेशम के कीड़े को पालना, तो रेशम के कीड़े को पालना जिसको हम कहते हैं सेरीकल्चर। क्या कहते हैं? सेरीकल्चर कहते हैं। ये टर्म कई बार पूछा गया है, सेरीकल्चर, ये रेशम के कीड़ों को पालने की प्रक्रिया। जैसे रेशम के जो कीड़े होते हैं, रेशम के कीड़े का नाम क्या होता है? रेशम के का जो कीड़ा हम पालते हैं उसका नाम है बॉम्बेक्स मोरी। क्या है? बॉम्बेक्स मोरी। और इसको कहाँ हम पालते हैं? सहतूत के पेड़ पर। सहतूत के पेड़ पर हम रेशम के कीड़े को पालते हैं जिससे हमें रेशम की प्राप्ति होती है। तो रेशम के कीड़े की जो पूरी पालने की प्रोसेस है उससे रेशम प्राप्त करने की, तो उसको हम बोलते हैं सेरीकल्चर। अगला है समेटना, जिसको हम बोलते हैं रीलिंग। तो रीलिंग प्रोसेस भी रेशम में ही होता है। इसमें क्या होता है? रेशमी रेशों को बाबिन पर लपेटना, क्योंकि चूंकि जो रेशम का धागा होता है या रेशम का जो रेशा होता है वो काफ़ी लंबा होता है, कई मतलब मीटर में होता है, वो काफ़ी लंबा होता है। तो ऐसे अगर हम उसको निकालने के बाद रख देंगे तो एक दूसरे में वो उलझ जाएंगे। तो इसलिए जैसे हम रेशे को निकालते हैं तो उसको बाबिन पर हम लपेटते जाते हैं। जैसे सिलाई मशीन वगैरह आप लोग देखे होंगे तो उसमें बाबिन लगी रहती है जिसपे धागा लपेटा जाता है, तो वैसे यहाँ भी होता है कि जब रेशम के धागे को हम निकालते हैं, रेशे को, तो उसको बाबिन पे लपेटते जाते हैं, जिस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? रीलिंग कहते हैं। ठीक है, अगली प्रोसेस है, टर्म है गोद हटाना। गोद हटाना जिसको हम बोलते हैं इंग्लिश में डीगमिंग। डीगमिंग क्या है? ये है कि जो हमारा रेशम होता है जिससे हमें रेशम प्राप्त होता है, जो रेशम रेशा होता है, इसमें दो चीज़ पाया जाता है। रेशम में क्या पाया जाता है? रेशम में दो चीज़ पाया जाता है, एक प्रोटीन होता है, एक गोद होता है। एक होता है प्रोटीन और दूसरा होता है गोद। प्रोटीन कौन सा होता है? फाइब्रिन। इसमें फाइब्रिन नामक प्रोटीन होता है और सिरेशिन नामक गोद होता है। तो जब हम रेशम को कोकून से निकालते हैं, रेशे को, तो उसके चारों ओर सिरेशिन गोद लगा होता है। तो गोद को निकालने के लिए हम क्या करते हैं? गर्म पानी और साबुन के घोल में उसको डालते हैं, ताकि जैसे मोम वगैरह भी लगा होता है और जगह, तो उसको भी छुड़ाने की प्रोसेस होती है कि गर्म पानी में उसको डालते हैं तो मोम वगैरह छूट जाता है। तो ऐसे ये गोद जो सिरेसिन गोद होता है, इसको जब रेशम से हम हटाते हैं तो रेशम और चमकदार दिखने लगते हैं। तो इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? डीगमिंग बोलते हैं। ठीक है, रेशमी रेशों से गोद हटाने की प्रक्रिया जो होती है वो डीगमिंग कहलाती है। अगला जो हमारा टर्म है वो है ताप सुनम्य रेशा या थर्मोप्लास्टिक फाइबर। थर्मोप्लास्टिक फाइबर क्या होता है? ऐसे रेशे जो ताप से तुरंत प्रभावित हो जाएं, जैसे कॉटन या कोई भी रेशा ताप से ज़्यादा गर्मी पाने से या हीट पाने से जल जाता है, उसको हम बोलते हैं ताप सुनम्य रेशा, या ताप से प्रभावित होने वाला जो रेशा होता है वो कहलाता है थर्मोप्लास्टिक फाइबर। कुछ रेशे ऐसे होते हैं जिन पर ताप का कोई प्रभाव ही नहीं पड़ता है, जैसे एस्बेस्टस से जो बना जो अग्निरोधी वस्त्र होते हैं जिसको फायर ब्रिगेड वाले पहनते हैं, उस पर आग का या ताप का कोई प्रभाव ही नहीं पड़ता है, तो उसको हम बोलेंगे तापरोधी फाइबर्स। लेकिन यहाँ क्या है? ताप सुनम्य रेशे, मतलब ऐसे रेशे जिन पर ताप का प्रभाव डायरेक्टली ही पड़ता है। अगला टर्म हमारा है पुनर्बलित वस्त्र। पुनर्बलित वस्त्र या जिसको हम बोलते हैं रेनफोर्स्ड क्लॉथ। रेनफोर्स्ड क्लॉथ क्या होता है? इसमें वस्त्रों का अस्थायीपन बढ़ाना। इससे वस्त्रों का अस्थायीपन कैसे बढ़ाते हैं? जैसे हमें पता है कि जिस जगह पे वस्त्र कमजोर ज़्यादा हो जाते हैं, जल्दी फट जाते हैं, जैसे हमारे कॉलर पे जो वस्त्र होता है वो जल्दी फट जाता है, या आस्तीन के कोहनी के पास के जो वस्त्र होते हैं, क्योंकि बार बार उस पर रगड़ या घर्षण करने से वो जल्दी फट जाते हैं। तो क्या होता है कि उस पर हम दूसरा कपड़ा अंदर से सपोर्ट देके उस पर सिल के हम उसको मजबूत कर देते हैं, मतलब उस पर
रेनफोर्स्ड कर देते हैं, ठीक है, रेनफोर्समेंट कर देते हैं, या कह सकते हैं पुनर्बलित वस्त्र उसको बना देते हैं, कि जो कमजोर कपड़ा होता है जिस जगह पे वो कमजोर होता है उस पे दूसरा और कपड़ा जोड़ देना, ठीक है, ताकि उसकी मजबूती और बढ़ जाए। तो इसको हम बोलते हैं पुनर्बलित वस्त्र, जैसे हमारा कॉलर हो गया, हमारे आस्तीन के पास के कपड़े हो गए, ठीक है। अगला हमारा है वस्त्र गुणांक, वस्त्र गुणांक जिसको हम बोलते हैं फैब्रिक काउंट। वस्त्र गुणांक क्या होता है? प्रति इंच कपड़ों में धागों की संख्या। देखिए प्रति इंच कपड़ों में, जैसे कोई हम कपड़ा लेते हैं तो कपड़े के एक इंच में, जैसे एक इंच लंबाई चौड़ाई मान लीजिए ये हो गया कपड़ा, कपड़े में ये एक इंच, इसमें से मान लीजिए यहां तक एक इंच में हम देख लेते हैं इसमें लंबाई के कितने धागे हैं, चौड़ाई के कितने धागे हैं, मतलब कितने इसमें लंबाई वाले धागे हैं और कितने चौड़ाई वाले धागे हैं, ठीक है, कितने वार्प हैं कितने वेफ्ट हैं, इसको देख के इसको काउंट करना, ठीक है। जैसे मान लीजिए कोई कपड़ा है जिसमें लंबाई वाले सूत जो है या लंबाई वाले जो रेशे हैं वो 120 हैं और चौड़ाई वाले 60 हैं, तो ऐसे ही हम इसको काउंट करके क्या निकालते हैं, हम वस्त्र गुणांक निकालते हैं। प्रत्येक इंच में जब हम उसके रेशों के लंबाई चौड़ाई के दोनों धागों को काउंट कर लेते हैं तो उसको हम बोलते हैं वस्त्र गुणांक, ठीक है। उसके बाद अगला जो टर्म है हमारा वो है सूत संख्या, ठीक है, ये थोड़ा डिफरेंस है वस्त्र गुणांक से। सूत संख्या जो यार्न नंबर होता है, ये धागों की बारीकी का माप, यह धागों की बारीकी का माप होता है और यह 120, ठीक है, 120 सेंटीमीटर कपड़े में होता है, मापा जाता है, ठीक है, सेंटीमीटर वस्त्र में या कपड़े में मापा जाता है। तो सूत संख्या ये धागों की बारीकी की माप होती है, कि कोई भी वस्त्र में जो हमारा धागा है वो कितना बारीक है, ये कहलाता है सूत संख्या, यार्न नंबर, ठीक है। अगला जो हमारा है वो है कैलिको। क्या है कैलिको? कैलिको क्या होता है? कैलिको साधारण बुना हुआ वस्त्र जो होता है उसे हम कहते हैं कैलिको। साधारण बुने, यहां बुना हुआ होगा, साधारण बुना हुआ वस्त्र कैलिको कहलाता है, जिसकी चौड़ाई 120 सेंटीमीटर होती है। 120 सेंटीमीटर चौड़ाई के साधारण बुने हुए वस्त्र को कैलिको कहते हैं, ठीक है। इसके बाद अगला हमारा है, इसमें होगा, एक मिनट, ये जो सूत संख्या होता है ये 120 सेंटीमीटर नहीं होगा, यहाँ पे हो जाएगा, जो सूत संख्या है ये धागों की बारीकी की माप होता है, क्योंकि धागे जितने बारीक होते हैं उतने ही वस्त्र हमारा क्या होगा, हल्का होगा, ठीक है, और धागे जितने मोटे होंगे तो वस्त्र हमारा क्या होगा, उसका वजन उतना ही ज़्यादा होगा। तो धागों की जो बारीकी माप होती है, चाहे 1000 मीटर धागे का वजन में, तो उसको हम बोलेंगे यार्न नंबर या सूत संख्या। अब अगला देखते हैं हमारा कैलिको क्या है। ये साधारण बुना हुआ जो वस्त्र होती है, जो सादी बुनाई होती है, उसको हम बोलते हैं कैलिको। अगला टर्म हम देखते हैं, ये है हमारा है कैम्ब्रिक। कैम्ब्रिक क्या है? यह महीन सादी बुनाई वाला सूती वस्त्र, महीन सादी बुनाई वाला जो सूती वस्त्र होता है उसको हम बोलते हैं कैम्ब्रिक। अगला टर्म है मिश्रित वस्त्र। मिश्रित वस्त्र जिसको हम बोलते हैं ब्लेंडेड क्लॉथ। इसमें क्या होता है? विभिन्न रेशों के संयोग से, विभिन्न रेशों के संयोग से बने वस्त्र, जैसे टेरिकोट, टेरी वुल या टेरी रूबिया आदि। जैसे इसमें क्या हो गया कि जो कई प्रकार के, जैसे दो या दो से ज़्यादा प्रकार के रेशे, जैसे एग्जांपल में है टेरी वुल। टेरी वुल में कौन कौन से दो रेशे मिले हैं? तो एक इसमें मिला है टेरी लीन और दूसरा इसमें मिला है कॉटन। क्या है? एक टेरी लीन मिला है, दूसरा कॉटन मिला है। ये दोनों रेशे मिलकर क्या बनाते हैं? टेरी कॉट बनाते हैं। तो ऐसे टेरी वुल में एक टेरी लीन है, टेरी लीन, और दूसरा क्या है?
ऊल या ऊन, तो टेरी लीन और ऊन के मिश्रण से टेरी उल बनता है। तो ऐसे ही जब दो टाइप के रेशे आपस में मिलाकर नया रेशा बनाते हैं तो उसको हम बोलते हैं मिश्रित वस्त्र या ब्लेंडेड क्लॉथ। अगला जो टर्म है वो है अस्थिर रंग, जिसको हम बोलते हैं फ्यूगिटिव कलर। ऐसे कलर जिनका रंग निकलता हो, मतलब जो कच्चे कलर होते हैं, जो अस्थाई होते हैं, उसे हम बोलते हैं अस्थिर रंग। ठीक है, जैसे कई बार आप लोग कपड़े खरीद के लाए होंगे मार्केट से तो वो कलर छोड़ते हैं, तो ऐसे ही जो कलर छोड़ते हैं कपड़े उस पर रंग पक्का नहीं होता, वो अस्थिर रंग ही होता है। ठीक है, और कॉटन वगैरह के जो कपड़े होते हैं उस पर भी डायरेक्टली हम रंग नहीं चढ़ा सकते, क्योंकि उस पर सही से रंग डायरेक्टली नहीं चढ़ता। तो सबसे पहले उसमें क्या होता है, फिटकरी के घोल में उसको डालना पड़ता है, उसके बाद उस पर पक्का रंग चढ़ता है। तो अस्थिर रंग ऐसे रंग जो छूट जाते हों, ऐसे कह सकते हैं। अगला जो हमारा है क्रेप, अगला टर्म है क्रेप। क्रेप क्या है, यह एक प्रकार की परिसज्जा है। कैसी परिसज्जा है, यह एक यांत्रिक परिसज्जा है। ये क्या होता है, बुनाई के द्वारा कपड़े के एक ही सतह पर सिलवटे डालना। ठीक है, जैसे कोई वस्त्र है उसके एक सतह पर बुनाई जिस समय हो रही है, बुनाई के टाइम ही एक सतह पर सिलवटे डालना, ये हमारा क्या कहलाता है, क्रेप कहलाता है। इसके बाद अब हम अगला टर्म देखेंगे फलानेल। फलानेल क्या है, इसमें है सूती एवं ऊनी रेशों के सहयोग से बना नरम वस्त्र, जिसे परिसज्जा के द्वारा रोएदार बनाया जाता है। मतलब सूती वस्त्र और ऊनी वस्त्र दोनों को मिला के, जैसे सूती ऊनी को मिलाकर उस पर ऐसा वस्त्र, मतलब नरम भी हो और मुलायम भी हो और उसके ऊपर थोड़ा थोड़ा रेशा निकाल देना, ये कहलाता है फलानेल। ठीक है, अगला हम देखते हैं, अगला है कुटाई। कुटाई जिसको हम बोलते हैं बीटलिंग। ये बीटलिंग प्लस जो प्रोसेस है, ये मेनली किस पे होता है, लिनन पे होता है, लिनन पे होता है। लिनन जो रेशा होता है वो क्या होता है, उस वो थोड़ा गोल टाइप का होता है। ठीक है, उसका रेशा गोल टाइप के होता है, तो उस पे हथौड़े से या उसकी कुटाई होती है। ठीक है, कुटाई करने के बाद क्या होता है, वो रेशा चपटा हो जाता है। ठीक है, चपटा हो जाता है, फिर उससे क्या होता है कि चपटा जब रेशा हो जाता है तो उससे बुनाई में और रेशे में चमक भी आ जाती है। तो गोल धागों को या गोल रेशों को चपटा करने की जो प्रक्रिया होती है, और चपटा कैसे, उसकी सतह को कूट कूट कर चपटा किया जाता है, तो इस प्रक्रिया को बेटलिंग कहते हैं, और ये मोस्टली लिनन में ही होता है। अगला हम देखते हैं टेंटरिंग। टेंटरिंग में क्या है, यह वस्त्र निर्माण प्रक्रिया में चौड़ाई में हुई असमानता को दूर करना। क्योंकि जब वस्त्र हम तैयार करते हैं तो जब करघे पे या लूम पे वस्त्र बनता है, उसको तैयार किया जाता है, तो वस्त्र को जब करघे से उतारते हैं तो वह चारों तरफ से बिल्कुल बराबर नहीं रहता, तो उस पर यांत्रिक परिसज्जा होती है। तो यांत्रिक परिसज्जा से वो चारों ओर से, मतलब लंबाई चौड़ाई में वो खींचा जाता है, ताना जाता है, तान के या खींच के उसकी लंबाई चौड़ाई को बराबर करना, समांतर कर देना, यह प्रोसेस कहलाता है टेंटरिंग। ठीक है, अगला हमारा है टर्म साइजिंग। साइजिंग क्या है, साइजिंग है वस्त्र के सतही दोषों को छिपाना। जैसे मान लीजिए कोई वस्त्र है, कोई कपड़ा है, उसके ऊपर रुएं निकल आए या थोड़ा बहुत गांठ वगैरह है कुछ, मान लीजिए जैसे स्वेटर वगैरह बीनते हैं, या कोई भी कपड़ा है वस्त्र, अगर मान लीजिए उसकी करघे पे बुनाई हुई, उसके बाद उसके जो सतह पर कुछ रुएं वगैरह हैं, तो उसको जला देना या झुलसा देना, या फिर गर्म रोलर के बीच से निकालना, तो उससे क्या होता है कि जो उसके ऊपर का सतह एकदम चिकना हो जाता है और रोएं वगैरह वो जल जाता है। तो ये जो प्रक्रिया होती है ये हमारा साइजिंग कहलाता है। तो कह सकते हैं इसको वस्त्र के सतही दोषों को छिपाना, ठीक है, या सतही दोषों को दूर करना। जैसे रोलर के मध्य से जब हम वस्त्र को निकालेंगे तो उससे दबकर जो रोएं वगैरह होते हैं वो उसमें फिक्स हो जाएंगे, दब जाएंगे, फिर वो नजर नहीं आएंगे तो वो छिप जाते हैं, तो उसको हम बोलते हैं साइजिंग। अगला जो हमारा टर्म है वो है मर्सराइजिंग। ये मर्सराइजिंग जो प्रोसेस है, ये वस्त्र की सतह को चिकना करना, इसमें भी वही होता है। तो ये केमिकल, ये एक यांत्रिक परिसज्जा नहीं है। ये कैसी परिसज्जा है, यह रासायनिक परिसज्जा है, रासायनिक परिसज्जा। इसमें क्या होता है, वस्त्र को किसी घोल में डुबोकर चिकना किया जाता है,
तो यह एक रासायनिक परिसज्जा है, क्या है, मर्सराइजिंग, इससे वस्त्र में चमक आती है, ठीक है। इसके बाद अगला जो हमारा टर्म है वो है कैलेंडरिंग। कैलेंडरिंग में क्या है कि वस्त्र को अंतिम रूप से चिकना करना। तो वस्त्र को जो कैलेंडरिंग होता है इसमें रोलर के बीच से वस्त्र को खींच के निकालते हैं, तो इससे जो उसके सतह के दोष होते हैं वो सब दूर हो जाते हैं, तो इसको हम बोलते हैं कैलेंडरिंग। यह कैसी प्रक्रिया है, यह यांत्रिक प्रक्रिया है, ठीक है, यह यांत्रिक प्रक्रिया यंत्रों द्वारा होती है, तो इसको हम बोलते हैं कैलेंडरिंग। अगला जो हमारा टर्म है वह है मोयरिंग। मोयरिंग में क्या होता है, वस्त्र पर लहरदार नमूने अंकित करना। जैसे कोई वस्त्र हम बना रहे हैं तो उसके ऊपर क्या होता है, उसके ऊपर सतह पर मान लीजिए ये हमारा वस्त्र है, तो वस्त्र के सतह पर ऐसे इस तरह से लहरदार नमूने बनाना, यह कहलाता है मोयरिंग, ठीक है। अब अगला हमारा टर्म है विरंजन। विरंजन जिसको हम बोलते हैं ब्लीचिंग इंग्लिश में। ब्लीचिंग क्या होता है, यह मेनली वनस्पति जगत के रेशों के साथ होता है, क्योंकि वनस्पति जगत के दो रेशे जैसे कपास को हम ले लें, लिनन को ले लें, तो इनमें क्या होता है कि जब वस्त्र की बुनाई होती है, जब वस्त्र को करघे से उतारा जाता है, जो वस्त्र करघे से उतारते हैं उसको हम ग्रे गुड्स या ग्रीस गुड्स, तो उसमें क्या होता है कि इतना धूल मिट्टी थोड़ा गंदा हो जाता है, इतना धूल मिट्टी हो जाता है, तो उसके धूल मिट्टी या कह सकते हैं कि जो गंदगी होती है या जो पीलापन होता है उसको दूर करने के लिए हम विरंजन या ब्लीचिंग का प्रयोग करते हैं। ये हमेशा सफ़ेद वस्त्रों पर ही किया जाता है, क्योंकि कलरफुल वस्त्रों पर अगर इसको करेंगे तो उसका कलर ही गायब हो जाएगा। तो हमेशा ब्लीचिंग का प्रयोग सफ़ेद वस्त्रों पर पीलापन दूर करना तथा सफ़ेदी एवं उज्ज्वलता लाने के लिए किया जाता है। अगला जो हमारा टर्म है वो है नैपिंग। नैपिंग क्या है, यह वस्त्र की सतह पर रोई उठाना। कुछ वस्त्र ऐसे होते हैं जिनकी सतह पर ज़रूरत है, उसको सॉफ्टनेस करने के लिए उस पर रोएँ जो उठाए जाते हैं उसको हम बोलते हैं नैपिंग, ठीक है। यह भी एक यांत्रिक परिसज्जा है। इसके बाद अगला जो टर्म है वो है परिष्कृत करना या फिनिशिंग। फिनिशिंग अभी पीछे भी आ चुका था, वस्त्र पर अंतिम रूप से नवीकरण करने हेतु प्रक्रिया, मतलब सबसे लास्ट में जो नवीनता लाने के लिए या चमक लाने के लिए वस्त्र पर जो परिसज्जा की जाती है उसे हम बोलते हैं फिनिशिंग, ठीक है। इसके बाद अगला जो हमारा टर्म है विमंजन। विमंजन जिसको हम बोलते हैं स्टीपिंग, ठीक है। तो स्टीपिंग क्या होता है, यह वस्त्र को पानी में फुलाना। जैसे हम लोग वस्त्र धुलने से पहले क्या करते हैं, वस्त्र अगर ज़्यादा गंदे होते हैं तो उनको सरफ और पानी के घोल में एक घंटा आधे घंटे पहले धुलने से पहले हम उसको फुला देते हैं पानी में। तो वही प्रक्रिया कि वस्त्र को धुलने से पहले जो पानी में हम फुलाते हैं उसको बोलते हैं स्टीपिंग, स्टीपिंग या विमंजन। तो ये आपके समझ में आ गया होगा। अगला टर्म देखते हैं ठप्पा छपाई। ठप्पा छपाई क्या है, इसको इंग्लिश में ब्लॉक प्रिंटिंग कहते हैं। तो लकड़ी के ठप्पा बनाकर वस्त्र पर छपाई करना। जैसे कभी कभी आप लोग देखे होंगे मेहंदी लगाते समय भी देखे होंगे, जैसे मेहंदी भी कई तरह से, जैसे एक कीप वाली मेहंदी होती है तो घर में सब लोग लगा लेते हैं। कभी कभी मेले वाले में हम लोग जाते हैं तो वहाँ पे मेले में कुछ मेहंदी लगाने वाले ऐसे रोड पे बैठे रहते हैं, तो वो ठप्पा लिए होते हैं, तो वो क्या करते हैं कि ठप्पे को एक मतलब कलर में उसको डुबो के फिर उसके बाद हाथ पे उस प्रेस करते हैं। हाथ पे प्रेस करने से पूरी डिज़ाइन हाथ पे बन जाती है, तो वो होती है ठप्पा छपाई। ऐसे जैसे हाथ पे, तो ऐसे वस्त्रों पर भी की जाती है। तो लकड़ी के कुछ ठप्पे ऐसे बने रहते हैं डिज़ाइनदार, तो उनको क्या करते हैं हम कलर में या रंग में डुबो के फिर उसके बाद वस्त्रों पर जो प्रिंटिंग की जाती है उसको हम बोलते हैं ब्लॉक प्रिंटिंग या ठप्पा छपाई। अगला है अपहोल्स्ट्री। अपहोल्स्ट्री क्या होता है, अपहोल्स्ट्री फर्नीचर को ढकने के लिए। देखिए अपहोल्स्ट्री मतलब फर्नीचर भी होता है। क्या होता है, फर्नीचर, और कैसे फर्नीचर, गद्दीदार, जो गद्दीदार फर्नीचर होते हैं उनको भी हम अपहोल्स्ट्री कहते हैं। और जो फर्नीचर को ढकने के लिए जो कपड़े बनाए जाते हैं, वस्त्र बनाए जाते हैं, उसको भी हम अपहोल्स्ट्री कहते हैं, जैसे सोफे वगैरह, कबर वगैरह, ये सब। इसके बाद अगला रंग जो हमारा है वो है प्रत्यक्ष डाई।
जिसको हम बोलते हैं डायरेक्ट डाई। और डायरेक्ट डाई किस डाई को कहते हैं, जो रासायनिक कलर होते हैं, जो रासायनिक रंग होते हैं, उसे हम डायरेक्ट डाई कहते हैं। अगला जो हमारा टर्म है वो है बंधक रंग, जिसको हम मॉर्डेंट डाई कहते हैं। मॉर्डेंट डाई क्या होता है, यह रंग के धातु का रंगों के साथ प्रयोग जो होता है उसको हम मॉर्डेंट डाई कहते हैं। अगला देखते हैं डिस्चार्ज प्रिंटिंग। डिस्चार्ज प्रिंटिंग क्या है, डिस्चार्ज प्रिंटिंग में रंग को विरंजित करके रंगाई करना। जैसे इसमें क्या होता है कि पहले हम एक कपड़ा ले लेते हैं और जो कपड़ा लेते हैं उसको पूरी तरह से हम जिस कलर का चाहिए उसको रंग डालते हैं, ठीक है। पहले कपड़े को हम पूरी तरह से कलर कर डालते हैं, रंग डालते हैं, फिर उसके बाद कपड़े को हम रंगने के बाद क्या करते हैं कि कुछ कुछ जगह पे जहाँ जहाँ पे हमें डिज़ाइन चाहिए होती है वहाँ वहाँ पे हम ब्लीच कर देते हैं या वहाँ वहाँ पे हम रंग को हटा देते हैं ब्लीच करके। तो इसी को कहते हैं डिस्चार्ज प्रिंटिंग, कि पहले पूरे कपड़े को रंग के फिर उसके बाद जहाँ जहाँ हमें डिज़ाइन चाहिए वहाँ वहाँ पे केमिकल या जो भी ब्लीच वगैरह की सहायता से हम वहाँ का रंग हटा देते हैं तो ऑटोमेटिक उस पर डिज़ाइन बन जाता है, यह कहलाता है डिस्चार्ज प्रिंटिंग। अगला जो हमारा है टर्म वो है वेट रंग। वेट रंग ऐसे होते हैं जो अप्रभावित रंग होते हैं, कि एक बार अगर कलर कर दिया तो फिर रंग जाने वाला नहीं है, मतलब परमानेंट रंग को कह सकते हैं वेट रंग, ठीक है। अगला जो हमारा टर्म है वो है अवरोधी छपाई। अवरोधी छपाई है रजिस्ट प्रिंटिंग। रजिस्ट प्रिंटिंग क्या होता है, जैसे बाटिक छपाई वगैरह होता है, इसमें होता है कि रंग को किसी माध्यम द्वारा अवरोध करके छपाई करना, ठीक है। कभी कभी मोम या गांठ बांध के या किसी तरीके से, जैसे क्या होता है हम कपड़ों पे जैसे जहाँ जहाँ पे हमको कलर नहीं चाहिए होता है या डिज़ाइन चाहिए तो उस जगह पे हम मोम लगा दें या गांठ बांध दें, कुछ ऐसी प्रक्रिया वहाँ कर दें कि वहाँ पर कलर ना पहुँच पाए, और इस प्रकार से फिर कपड़े पे लगाने के बाद फिर कपड़े को हम कलर में डालकर फिर निकाल के उसको सुखा दें। उसके बाद जो जब कपड़ा हम खोलने के बाद देखेंगे तो जिस जिस जगह पे हम नहीं चाहते थे या मोम लगा हुआ था उस जगह पर कपड़ा नहीं रंगा गया, वहाँ पे डिज़ाइन तैयार हो गई, तो ये कहलाती है अवरोधी छपाई या रजिस्ट प्रिंटिंग, ठीक है। और ये ज़्यादातर मोम द्वारा की जाती है। अगला जो हमारा है बाटिक छपाई, ये भी देखिए अवरोधी छपाई की तरह ही है बाटिक छपाई भी। इसमें रंग को मोम द्वारा अवरोध करके रंगाई करना, मतलब रंग को जहाँ पे हमें वो रंग नहीं चाहिए वहाँ मोम लगा देते हैं, उसके बाद हम वस्त्र को कलर करते हैं, बाद में मोम को छुड़ा लेते हैं और डिज़ाइन तैयार हो जाता है। अगला जो हमारा टर्म है वो है बंधेज। बंधेज टाई एंड डाई, ये भी एक अवरोध प्रिंटिंग ही है। इसमें क्या करते हैं, यह ज़्यादातर ऐसे वस्त्र राजस्थान में बनाए जाते हैं, ऐसे वस्त्र राजस्थान में ज़्यादातर बनाए जाते हैं, तो वस्त्र को क्या करते हैं बांध देते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए ये वस्त्र है हमारा, इसको ऐसे समेट के हम क्या करते हैं इसको बांध देते हैं, जैसे यहाँ बांध दिए, यहाँ बांध दिए, ऐसे हम वस्त्र को बांध देते हैं। बांधने के बाद एक कलर में ले जाके जिसमें मतलब कलर रहता है, कलर वाले बाल्टी में या जो भी उसमें हाउस में, ऐसे हम कपड़े को डुबो देते हैं, डाल देते हैं, फिर उसके बाद कपड़े को हम बाहर निकाल के ऐसे सुखा देते हैं रस्सी पे, ठीक है। सुखाने के बाद जो हम इसमें गाँठे बांधे हुए होते हैं वो गाँठे हम खोल देते हैं। गाँठे खुलने के बाद फिर क्या होता है, जहाँ जहाँ गाँठे लगी होती हैं वहाँ वहाँ पे कलर नहीं जाता, फिर वहाँ वहाँ पे वो डिज़ाइन बन जाती है, जिसको हम बोलते हैं बंधेज या टाई एंड डाई इसको बोलते हैं, ठीक है। अब अगला जो हमारा टर्म है वो है शुष्क धुलाई। शुष्क धुलाई या ड्राई क्लीनिंग। ड्राई क्लीनिंग ज़्यादातर ये प्रोटीन जगत के रेशों पर होता है। प्रोटीन जगत के कौन से रेशे होते हैं, एक रेशम हो गया और दूसरा ऊन। रेशम और ऊन, रेशम और ऊन, इन्हीं दोनों में ये शुष्क धुलाई होती है। जैसे स्वेटर वगैरह होता है, क्या होता है इसमें किसका प्रयोग किया जाता है, इसमें वसा घोलक का प्रयोग किया जाता है। वस्त्रों को बिना साबुन पानी की सहायता से, मतलब इसमें पानी का यूज नहीं होता, इसमें यूज किसका होता है, एक तो वसा घोलक का या वसा अवशोषक का। वसा घोलक या वसा अवशोषक का, दो चीज़ों का प्रयोग करके हम जो धुलाई करते हैं उसको हम बोलते हैं ड्राई क्लीनिंग, ठीक है। इससे वस्त्र खराब होने से बच जाते हैं। ये हो गया हमारा शुष्क
धुलाई। अगला टर्म है हमारा ताना, ये देखिए इंपॉर्टेंट है, एक ताना है, ताने के साथ बाना है। ताना को अंग्रेजी में वार्प कहते हैं और बाना को अंग्रेजी में वेफ्ट कहते हैं। अब ताना बाना थोड़ा समझ ले, जैसे जो वस्त्र होता है या हम करघा कह लें, लूम कह लें, करघे पे जब हम वस्त्र निर्माण की प्रक्रिया शुरू करते हैं, ये मान लीजिए हमारा करघा है, तो करघे पे ये जो लंबवत धागे रहते हैं, लंबवत जो धागे रहते हैं उनको हम ताना बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ताना। जो लंबवत धागे हैं इनको हम बोलते हैं ताना या वार्प। और इसी के अपोजिट जो हॉरिजेंटल, जो हॉरिजेंटल या हम कह सकते हैं क्षैतिज या अनुप्रस्थ धागे होते हैं, इनको हम बोलते हैं बाना। क्या बोलते हैं? बाना या वेफ्ट बोलते हैं। तो इन्हीं दो टाइप के धागों से हमारा वस्त्र तैयार किया जाता है, एक ताना दूसरा बाना। ताने को जो लंबाई में हम धागे प्रयोग करते हैं उसको ताना बोलते हैं, और जो चौड़ाई में कह सकते हैं या जो हम कह सकते हैं अनुप्रस्थ या क्षैतिज में जो धागे प्रयोग करते हैं उसको हम बाना बोलते हैं। तो यहाँ जैसा लिखा भी है कि बुनाई के लिए लंबवत धागा जो प्रयोग किया जाता है वो ताना हो गया, और बुनाई में प्रयुक्त जो अनुप्रस्थ धागा होता है वो क्या हो गया? ये बाना हो गया या वेफ्ट। और इसी के द्वारा हम वस्त्र निर्माण करते हैं, ताना और बाना। ये ताना बाना दोनों वस्त्र का बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, ये हर जगह आता है, ठीक है। इसके बाद अगला जो हमारा टर्म है वो अग्निशमन सूट है। अग्निशमन सूट जिसको हम बोलते हैं फायर फाइटिंग सूट, फायर फाइटिंग सूट, वे वस्त्र जो आग में नहीं जलते। जैसे जो फायर ब्रिगेड वाली गाड़ी होती है, जो फायर ब्रिगेड वाली गाड़ी होती है तो वो लोग जो कपड़े पहने होते हैं, फायर ब्रिगेड की जो गाड़ी होती है तो वो लोग जो कपड़े वस्त्र पहने होते हैं वो अग्निरोधी होते हैं। कैसे होते हैं? वो अग्निरोधी होते हैं, या फायर रेजिस्टेंस कह सकते हैं, ठीक है। वो क्या करते हैं? आग से नहीं जलते हैं, आग से नहीं जलते हैं। तो जो आग से नहीं जलते हैं उसको हम फायर फाइटिंग सूट कहते हैं। और ये क्या होते हैं? ये बनते किसके हैं? ये एस्बेस्टस के बनते हैं, एस्बेस्टस, ये एस्बेस्टस के बनते हैं। तो हमें, हम लोगों ने आज क्या देखा? हम लोगों ने आज इतना सब देखा है, जो भी टर्म है एक बार फिर से हल्का सा रिवाइज कर दे रहे हैं। सबसे पहले हम लोगों ने कोए देखा है जिसको पॉट्स बोलते हैं, ये पका हुआ कपास का फल था। फिर इसके बाद हम गिनिंग देखे हैं, ओटा, जो बिनौलों को कपास के रेशों से अलग करना। इसके बाद गाठे लगाना या बेलिंग, कपास के रेशों को बात कर जो गट्ठर बनाते हैं उसको बेलिंग कहते हैं। इसके बाद धुनाई, जो रेशे से धूल कर डस्ट को अलग करना, कार्डिंग या धुनाई कहलाता है। फिर इसके बाद रेशों को समानांतर करना, ये कार्डिंग कहलाता है। फिर इसके बाद विभिन्न प्रकार के रेशों को आपस में मिलाना, ये ब्लेंडिंग कहलाता है। फिर सूत की कताई से पहले हम पोनी बनाते हैं जिसको सिल्वरिंग कहते हैं। फिर धागे निर्माण की जो प्रक्रिया होती है पोनी बनाने के बाद उसको स्पिनिंग कहते हैं। स्पिनिंग के बाद अंतिम जो परिसज्जा की जाती है उसको हम फिनिशिंग या परिसज्जा, जो वस्त्र को अंतिम रूप देने के लिए प्रक्रिया, जो करघे से हम वस्त्र को हटाकर उतार कर जो उस पर प्रोसेस करते हैं उसको हम फिनिशेस या परिसज्जा कहते हैं। इसके बाद सिकुड़न, श्रृंखित, जो वस्तु को, वस्तु या जो वस्त्र को छोटे होने में, मतलब भीगने के बाद जो वस्त्र के सिकुड़ने की क्वालिटी होती है या छोटे होने का गुण होता है उसको श्रृंखित कहते हैं। सिलवट प्रतिरोधक क्या होता है? कि वस्त्र में सिलवट के ना पड़ने के जो क्वालिटी होती है या गुण होते हैं उसको हम सिलवट प्रतिरोधक कहते हैं। प्रत्यास्था, जैसे किसी वस्त्र को तान कर फिर छोड़ दें तो वापस अपने पूर्वावस्था में आ जाता है, वो प्रत्यास्था कहलाता है। प्रतिअस्कंदता, जब किसी वस्त्र को हम दबा दें, या मतलब जैसे ऊन वगैरह के बाल को आप ले लीजिए, उसको दबाने के बाद फिर अपने पूर्वाकृति को ग्रहण कर लेता है, यह प्रतिअस्कंदता कहलाता है। अपघर्षण क्या होता है? कि वस्त्रों में रगड़ सहने की जो क्षमता होती है वह अपघर्षण होता है। मुलायम करना, रेटिंग, जो लीलन वगैरह जो तने से प्राप्त होने वाले रेशे होते हैं उनको
जो भिगोकर या नमी देना उनमें, ये रेटिंग कहलाता है। फिर कताई झड़ाई, ये ऊन में होता है, जो भेड़ के शरीर से हम ऊन को उतारते हैं, उसको निकालते हैं, उसको हम कताई और झड़ाई कहते हैं। फिर उसके बाद ऊनी रेशों को सफाई करना स्काउडिंग कहलाता है। और खींच कर निकालना मतलब धागे को, जैसे मोटा धागा है उसको खींच कर हम निकाल कर बारीक धागा और लंबा धागा बनाते हैं, उसको हम ड्रॉइंग आउट कहते हैं। नमदा, छोटे छोटे जो रेशे उनके जो बचे हुए रहते हैं निम्न कोट के रेशे, उनको आपस में मिलाकर नमी दाब और ताप की सहायता से उसको आपस में जमाना, यह फेल्टिंग कहलाता है। खींचा ऊन क्या होता है, मृत भेड़ के शरीर से जो ऊन को हम निकालते हैं उसको पुल्ड ऊन या खींचा ऊन बोलते हैं। और कीड़ों को पालना या रेशम के कीड़े को पालना सेरिकल्चर कहलाता है। समेटना या रीलिंग, रीलिंग वो होता है जो रेशम के धागे को या रेशम के सूत को हम रील पर जो लपेटते हैं उसको रीलिंग कहते हैं। गोद हटाना, डिगमिंग, जो रेशम होता है उसके ऊपर जो चिपका हुआ गोद होता है उसको सिरेशिन नाम है उसका, उसको हटाने की प्रक्रिया जो होती है वो डिगमिंग कहलाती है। इसके बाद ताप सुनम्य रेशा, मतलब ताप से जो प्रभावित होने वाला रेशा होता है उसको ताप सुनम्य रेशा कहते हैं। उसके बाद पुनर्वलित वस्त्र, पुनर्वलित वस्त्र वो वस्त्र होते हैं कि वस्त्र में और कपड़ा जोड़ के उसके अस्थायित्व को और बढ़ा देना, उसको और मजबूती प्रदान करना, ये कहलाता है पुनर्वलित वस्त्र। वस्त्र गुणांक, प्रति इंच कपड़ों में धागों की जो संख्या होती है उसको काउंट करके ये हमारा वस्त्र गुणांक कहलाता है। और सूत संख्या, ये धागों की जो बारीक की धागे कितने बारीक हैं उसकी माप जो होती है ये सूत संख्या कहलाती है। कैलिको क्या है, ये साधारण बुना हुआ जो वस्त्र होता है वह कैलिको कहलाता है। कैम्ब्रिक, ये महीन सादी बुनाई वाला सूती वस्त्र कैलिको कहलाता है। मिश्रित वस्त्र, वह वस्त्र होते हैं जिसमें दो टाइप के रेशे मिलाकर नए वस्त्र बनते हैं, जैसे टेरिकॉट, टेरिकॉट में टेरिलीन और कॉटन मिलाकर टेरिकॉट बनता है। इसके बाद अस्थिर रंग, ऐसे रंग जिनका कच्चा कलर होता है जो छूट जाते हैं। क्रेप, क्रेप एक परिसज्जा है जो एक सतह पर सिलवटें डालना, ठीक है, जो कपड़े की एक सतह पर सिलवटें पड़ती हैं उसको क्रेप कहते हैं। फलालेन क्या है, यह सूती और ऊनी रेशों के सहयोग से बना नरम वस्त्र जिसके ऊपर रोएं उठाना, यह फलानेल कहलाता है। कुटाई क्या होता है, जैसे लिलन के जो रेशे होते हैं वो मतलब नेचुरली गोल होते हैं तो उनको कूट कूट कर चपटा बनाया जाता है, उसको हम बोलते हैं बेटलिंग या कुटाई। टेंटरिंग क्या होता है, यह एक यांत्रिक परिसज्जा है, वस्त्र निर्माण में चौड़ाई या लंबाई में जो भी कोई असमानता है तो उसको दूर करने की जो प्रोसेस होती है, प्रक्रिया होती है, उसको हम टेंटरिंग कहते हैं। साइजिंग, वस्त्र के सतही दोषों को छिपाना, वस्त्र के सतह में अगर कोई दोष है तो उसको छिपाने की प्रक्रिया साइजिंग कहलाती है। मर्सराइजिंग, वस्त्र के सतह को चिकना करना, जैसे किसी घोल वगैरह में डाल के, यह एक रासायनिक प्रक्रिया है। इसके बाद कैलेंडरिंग, कैलेंडरिंग में क्या है, वस्त्र को अंतिम रूप से चिकना करना, यह कैलेंडरिंग कहलाता है। मोयरिंग, वस्त्र पर लहरदार नमूने बनाना मोयरिंग कहलाता है। विरंजन, जिसको हम ब्लीचिंग कहते हैं, यह सफ़ेद वस्त्रों के लिए होता है, सफ़ेद वस्त्रों के लिए पीलापन या उसका धुंधलापन दूर करने के लिए या उसमें चमक लाने के लिए ब्लीचिंग की जाती है। नैपिंग, वस्त्र के सतह पर रोएं उठाने को हम नैपिंग कहते हैं। परिष्कृत करना या फिनिशिंग, वस्त्र पर अंतिम रूप से की जाने वाली परिसज्जा फिनिशिंग कहलाती है। विमंजन या स्टीपिंग, या वस्त्र को धोने से पहले जो पानी में हम भिगोते हैं उसको स्टीपिंग कहते हैं। ठप्पा छपाई, जो ब्लॉक प्रिंटिंग होता है, ठप्पे के द्वारा जो वस्त्र पर प्रिंटिंग की जाती है, छपाई की जाती है, उसको ठप्पा छपाई कहते हैं। अपहोल्स्ट्री, जो फर्नीचर के लिए वस्त्र होते हैं उसे अपहोल्स्ट्री कहते हैं। प्रत्यक्ष रंग, जो रासायनिक रंग होते हैं उनको हम डायरेक्ट डाई या प्रत्यक्ष रंग कहते हैं। बंधक रंग वे होते हैं जो रंग के धातु रंगों के साथ प्रयोग किए जाते हैं। डिस्चार्ज प्रिंटिंग जो होता है वह रंग को विरंजित करके बनाई जाती है, जैसे पहले पूरे कपड़े को रंग लिए, बाद में जहाँ जहाँ पे हमें प्रिंट चाहिए या जहाँ जहाँ पे हमें डिज़ाइन चाहिए वहाँ के रंग को हम हटा देते हैं, यह हो गया डिस्चार्ज प्रिंटिंग। वेट रंग वो होते हैं जो पक्के कलर होते हैं या अप्रभावित रंग होते हैं, इनको प्रभाव नहीं पड़ता है किसी चीज़ से। फिर उसके बाद अवरोधी छपाई क्या होता है, रिजिस्ट प्रिंटिंग, या रंग को किसी माध्यम द्वारा अवरोध करके बनाया जाता है, जैसे मोम के द्वारा, जैसे बाटिक प्रिंटिंग भी अवरोध छपाई का एक एग्जाम्पल है। बाटिक प्रिंटिंग, इसमें मोम द्वारा अवरोध करके
कपड़ों की छपाई होती है, फिर बंधेज टाई एंड डाई, इसमें वस्त्रों को बांधकर उसकी रंगाई होती है, शुष्क धुलाई ड्राई क्लीनिंग, ये विशेषकर रेशम और ऊन वाले कपड़े में होती है, इसमें वसा शोधक या वसा घोलक या वसा अवशोषक का प्रयोग किया जाता है। ताना लंबाई में जो धागे हम प्रयोग करते हैं उसको ताना बोलते हैं, जो क्षैतिज या चौड़ाई में हम धागे प्रयोग करते हैं उसको बाना बोलते हैं। इसके बाद अग्निशमन सूट या अग्निरोधी वस्त्र, ऐसे वस्त्र जो आग से अप्रभावित रहते हैं या आग में नहीं जलते हैं उसको हम अग्निरोधी या फायर फाइटिंग सूट कहते हैं। तो आई होप कि इतना आप लोगों के समझ में आ गया होगा। ये सब थे इम्पॉर्टेंट टर्म या इम्पॉर्टेंट जो है टर्मिनोलॉजी, जो आगे आने वाले हर चैप्टर में आप लोगों का सामना इनसे होने वाला है, इसलिए इसको अच्छे से आप लोग याद कर लीजिएगा, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। आज की क्लास इतनी ही, कल हम नेक्स्ट क्लास में कपास पढ़ने वाले हैं, कपास का हम विस्तृत तरीके से उसको देखेंगे। आज इतना ही।